आइए आज हम सीखते हैं एक बैक योक फ्रंट ओपन कुर्ती। इसमें मैं ये मेरे पास जो लेफ्ट ओवर फैब्रिक है इससे मैं इसमें बैक में योक लगाऊंगी और हम इसके स्लीव्स में भी यह डिज़ाइन लगाएंगे और एक पॉकेट भी लगाएंगे। तो सबसे पहले मेरे पास यह 2.5 मीटर कपड़ा है और इस कपड़े की विड्थ 40 इंच है, 40 इंच इस कपड़े की चौड़ाई है। सबसे पहले हम इस कपड़े को उल्टा फोल्ड कर लेंगे और इस तरह से हम लंबाई में फोल्ड करेंगे किनार टू किनार। अब हम इसमें अपनी कुर्ती का पिछला हिस्सा पहले बनाएंगे। यह हम एक ए लाइन शेप में कुर्ती बना रहे हैं, तो इसके लिए मेरे पास यह जुड़ी हुई साइड है और यह कपड़े की ओपन साइड है। तो सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, लंबाई हमारी 40 इंच है, 40 इंच है, तो उसमें 1.5 इंच हम फोल्ड करने का प्लस कर लेंगे। तो यहाँ मैं मार्क लगा दूंगी, उसके बाद हम यहाँ से हर तरफ से हम 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इसमें पीछे हम योक में एक प्रिंट देंगे, उसके लिए मैं यहाँ पर ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ और इसको हम एक लाइन ड्रो कर लेंगे बराबरी से। अब हम जो भी मार्क लगाएंगे या जो भी निशान लगाएंगे वो हम इस लाइन के बाद से लेंगे। ये हमारा एक प्लिट आएगा, ये हमारा एक एक्स्ट्रा कपड़ा रहेगा। तो अब हम यहाँ से लेंगे तीरे का आधा। तीरा हमारे पास है 14.5 इंच, 14.5। क्योंकि मैं इसमें छोटा नेक बना रही हूँ बहुत, तो मैं तीरे का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर मैं नॉर्मल नेक बनाती तो मैं इसमें तख्ती का इस्तेमाल करती। अब तीरा हमारा 14.5 है तो आप 14.5 पर ऐसे इंची टेप को डबल रखिए तो आपका हाफ आ जाएगा। हमारा हाफ आता है 7.25 इंच, हम यहाँ से 7.25 इंच ले लेंगे और एक मार्क कर लेंगे। अब हमारा आर्म होल में, जब भी मैं तीरा लेती हूँ तो आर्म होल मेरा स्टैंडर्ड साइज 8 इंच हो जाता है, तो मैं यहाँ से 8 इंच ले लूँगी। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस 2 इंच। सीने का नाप हमारा 32 है, 32 इंच है, हम 32 पे इंची टेप को ऐसे रखेंगे और फिर इस तरह से 4 फोल्ड कर लेंगे। तो इंची टेप से 4 फोल्ड करने पर हमारा चौथा हिस्सा आता है 8 इंच। इस तरह से आपका चौथा हिस्सा बड़ी आसानी से निकल जाता है और हर साइज को आप इस तरह से नाप कर चौथा हिस्सा निकाल सकते हैं। तो सीने का चौथा हिस्सा है हमारा 8 और उसमें मैं मार्जिन का और सिलाई का 2 इंच प्लस कर लूँगी तो हमारा हो जाएगा 10 इंच। तो हम यहाँ से लेंगे 10 इंच, 10 इंच। अब हम हमारी कमर लंबाई लेंगे, कमर लंबाई हमारी है 14.5 इंच और यहाँ से हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा प्लस 2 इंच। कमर गोलाई का नाप हमारा है 28 इंच, 28 इंच। तो उसी तरह से आप 28 का 1/4 करिए, इंची टेप को डबल फोल्ड करिए, फिर 4 फोल्ड करिए तो आपका चौथा हिस्सा निकल आता है 7 इंच। इसमें हम 2 इंच प्लस करेंगे तो हो जाएगा 9 इंच। हर एक में आप 2 इंच प्लस कर लीजिए तो सिलाई मार्जिन का बहुत अच्छा आपका निकल आता है। अब हम यहाँ से हिप लेंथ लेंगे 21 इंच और यहाँ पर आप हिप राउंड का 1/4 + 2 करके चेक कर लीजिए। तो हमारे पास हिप राउंड का यहाँ पे 36, उसका चौथा हिस्सा आएगा 9 और उसमें +2 करेंगे तो 11 इंच। यहाँ पर एक मार्क लगा लेंगे और अब हम इन मार्क्स को आपस में मिला लेंगे और मैं हमेशा थोड़े से कर्व स्केल से मिलाती हूँ, यहाँ से इसको इस तरह से और यहाँ पे आप ऐसे और इस जगह पर हमें सीधा मिलाना है। तो मैं यहाँ से 4 फिंगर ऊपर रखकर इसे मिलाऊंगी क्योंकि ये हमारा कटिंग में निकल जाएगा। तो इस जगह से हम इसे मिलाएंगे तो ये मार्क से बाहर आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पर इससे अंदर नहीं होना चाहिए। ये मैंने मार्क सिर्फ चेक करने के लिए लगाया था कि हिप राउंड पे हमारा कम नहीं होना चाहिए। अगर आपका नाप यहाँ आ रहा है फिर आप स्केल से इस तरह से मार्क लगाएंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच लेंगे और ये फ्रेंच कर्व से 1 इंच से हम यहाँ पर ये मार्क लगा देंगे आर्म होल का। 0.5 इंच हम यहाँ से लेंगे और यहाँ से हम गले की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे और इस मार्क को इस 2.5 इंच पर मिला लेंगे। ये सब मार्क हमने ये जो 1.5 इंच छोड़ा था उसके बाद से लिए हैं। अब हम इस वाले पोर्शन की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम इस तरह से गोलाई से इसे मिलाएंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे।
अब हम ये पोर्शन को इस तरह से ले लेंगे। अब ये ओपन साइड है, इस तरफ हम अपना फ्रंट बनाएंगे। ये तीरे वाले पोर्शन को हम इस तरफ रखेंगे और ये हमने ज्यादा लिया था तो आगे वाला पोर्शन भी हम ज्यादा ही लेंगे क्योंकि आगे हमारा पूरा ओपन रहेगा और उसमें हम काज बटन लगाएंगे। अब हम इसको इस तरह से सेट करेंगे बिल्कुल इसके बराबर। यहाँ से आपका ध्यान रखिएगा बराबर आए और फिर आप इस तरह से पूरा इसको फैला दीजिए और इसी के बराबर हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हम ये बैक पोर्शन है, यहाँ पर हम ये गले की चौड़ाई हमने छोड़कर 2.5 इंच ली थी, यहाँ पर हम एक मार्क लगाएंगे और यहाँ पर हम पीछे का नेक 2 इंच लेंगे और पूरे इसका मार्क लगाकर कटिंग कर लेंगे। तो ये सिर्फ अभी पीछे वाले पोर्शन को पकड़कर हम कटिंग करेंगे, आगे वाले में हम अलग से मार्क लगाएंगे। आप चाहें तो नेक को कटिंग बाद में करें और कैनवास पर कटिंग कर भी बना सकते हैं। अब मैं यहाँ से ये हमारा 1.5 इंच एक्स्ट्रा वाला है, इसके बाद हमारा ये नेक की चौड़ाई है, यहाँ से हम 2.5 इंच लेंगे ये लाइन को छोड़कर और आगे से हमारी नेक की लेंथ 5.5 इंच हम वह ले लेंगे और इसको ऐसे गोलाई में मिला लेंगे और यहाँ से हम 1 इंच अंदर की तरफ लेंगे और ये आगे वाला आर्म होल का मार्क लगा देंगे। इस तरह से आप इसको यहाँ से पहले हाफ करके मिलाइए, फिर आप इसको एडजस्ट करिए और इस तरह से मिलाइए और अब हम इन दोनों चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। और इस बचे कपड़े में से हम अपनी स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की कटिंग के लिए आप मेरे वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू कट कुर्ता स्लीव्स और ड्राफ्टिंग कटिंग स्लीव्स विद कर्व स्केल। उसमें मैंने बहुत आसान तरीके से कर्व स्केल से स्लीव्स की कटिंग करने का मेथड बताया है। अब हम इसमें जो पीछे पैच लगाएंगे उसकी कटिंग करेंगे। तो पैच की लंबाई हमारी जो ये कमर लंबाई होती है उतनी हम रखेंगे। हमेशा यह एक स्टैंडर्ड साइज है कि आप पेच की लंबाई को जितनी आपकी कमर लंबाई है उतना रख लीजिए और हमें चौड़ाई नेक से 1 इंच बाहर की तरफ रखनी होती है। ये हमारा पूरा सिलाई में जाकर प्लिट हो जाएगा, अंदर की तरफ चला जाएगा। तो ये हमारा पेच यहाँ से 1 इंच इस तरफ बाहर से लेंगे नेक के और हम यहाँ से नाप लेंगे ये कितना आ रहा है, यह हमारा आ रहा है 3.5। तो हम हर जगह से 3.5 मार्क लगाकर यहाँ पर पेच लगाएंगे। तो हमें इस कपड़े में से अपने पेज की चौड़ाई कटिंग करनी है तो इसको मैंने इस तरह से डबल किया, यहाँ से हम सीधा कट कर लेंगे और 3.5 इंच ले लेंगे और यहाँ से हम 15 इंच लेंगे अब और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस पेज को हम तीनों साइड सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे और ये जो बचा कपड़ा है इससे हम स्लीव्स में नीचे लगा लेंगे। हम फ्रंट की साइड एक पॉकेट लगाएंगे। आप चाहे तो पॉकेट को स्किप भी कर सकते हैं और आप चाहे तो लगा भी सकते हैं। पॉकेट लगाने से इसमें थोड़ा सा आगे की तरफ भी डिजाइन हो जाएगा और यहाँ से जो हमारी कमर लेंथ है उसके नीचे हम इसे लगाएंगे। पॉकेट की लंबाई चौड़ाई आपकी चॉइस पर है, आप छोटी लगाना पसंद करते हैं तो छोटी लगाइए और आप अगर थोड़ी बड़ी लगाना पसंद करते हैं तो थोड़ी बड़ी लगा सकते हैं। मैं इसको 6 इंच रखूंगी और लंबाई में मैं इसको 7 इंच रखूंगी। ये इस तरह से हमारी पॉकेट होगी। अब हम इसमें बैक योक लगाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा पीछे वाला पोर्शन है इस पर हमने जो ये मार्क लगाया था 1.5 इंच एक्स्ट्रा का वो हम कमर लंबाई तक एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसको यहाँ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और एक सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे, उससे ये हमारा यहाँ पर सेट रहेगा। अभी हमारा आगे से यहाँ पर प्लेट्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब हम इस पर ये पैच लगाएंगे। तो पैच को मैंने प्रेस कर कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए ये साइड मेरी खुली है और ये तीनों साइड मैंने प्रेस कर लिया है। ये कॉटन का पैच है तो ये इजीली प्रेस होकर लग जाता है। अब हम इसका एक सेंटर का मार्क निकालेंगे नीचे की तरफ से और हम इसको
ये जो पॉइंट है यहाँ पर सेंटर के माप को रखेंगे और बाकी को हम इस तरह से ऊपर की तरफ कर लेंगे और यहाँ पर हम पिन लगाकर इसे सेट कर लेंगे। आप चाहें तो हाथ की कच्ची सिलाई लगाकर भी इसको सेट कर सकते हैं। देखिए ये बीच वाला सेंटर वाला मार्क है, स्प्लिट्स पर आया और हम इस तरह से इन पर पिन लगाकर सेट कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेंगे। कॉर्नर पर आप हमेशा सुई को अंदर रखिए, फिर फुट उठाइए और मुड़ जाइए, इससे आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमारा ये बैक पैच लगकर तैयार है। इसके अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे और इसके नेक को तैयार कर लेंगे। और आप चाहें तो इस वाले पोर्शन को अंदर से कटिंग करके निकाल सकते हैं और आप चाहें तो इसको सिलाई में भी ले सकते हैं। यहाँ पर आप इस तरह से सिलाई में रखकर तैयार कर सकते हैं। ये जो थोड़ा कम है ये हमारा सिलाई के अंदर शोल्डर जॉइंट करेंगे तो उसमें निकल जाएगा। अब हम इसमें जो फ्रंट में पॉकेट लगा रहे हैं उसके लिए मैं इसको कुर्ती की लेफ्ट हैंड साइड में लगाऊंगी। तो ये हमारी कुर्ती का लेफ्ट हैंड साइड है और ये इतना हमारा 1 इंच फोल्ड हो जाएगा और उसके बाद हम यहाँ से 3 फिंगर की डिस्टेंस पे लगाएंगे। और आप देख कर रखिए आपको किस तरह से अच्छी लग रही है उस तरह से आप इसे लगाइए, पर एक मिडिल में होनी चाहिए। इधर से इधर इतना हमारा सिलाई में चला जाएगा और इतना हमारा ये होगा, तो ये एक मिडिल में पॉकेट आनी चाहिए और पॉकेट को हम कमर लंबाई से नीचे लगाएंगे। ये हमारी कमर लंबाई है। अब बस हम इसको यहाँ पर पिन रखकर सेट कर लीजिए आप, या तो या आप सुई धागे से कच्चा कर भी इसको लगा सकते हैं। पॉकेट को मैंने सिलाइयाँ लगा कर इसे कंप्लीट कर लिया है, इस तरह से फोल्ड कर लिया है। अब मैं इसको मेन सिलाई लगाकर सेट करूँगी। नॉर्मल सी सिलाई लगानी है हमें, बस स्टार्टिंग करते हुए आपको सिलाइयों को थोड़ी पक्का करना है। शेयर की तरह कॉर्नर पर आकर सुई को अंदर रखना है, फुट उठाना है और टर्न हो जाना है, उससे आपके कॉर्नर बहुत अच्छे बनेंगे। अब हम इसका गला बनाएंगे। गला बनाने के लिए मैंने ये पेपर कैनवास लिया है और यह एक एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है। इसको हम इस तरह से सीधा रखेंगे और यहाँ से हम बराबर रखेंगे, इस तरफ से हम थोड़ा बाहर की तरफ रखेंगे। ये फ्रंट ओपन में हम गला किस तरह से बनाएं यह बता रही हूँ मैं आपको, और फिर हम इसको ऐसे इसके साथ यहाँ बराबर से रख लेंगे। अब आप देखिए इधर कैनवास को आप इस तरफ इसको शिफ्ट कर सकते हैं और हम इसके बराबर बराबर यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के लिए आपको एक जैसी सिलाई है, इसके लिए आपको ये कपड़ा और ये फुट आपका बराबर चलना चाहिए। इस जगह का आप ख्याल रखिए कि एकदम इस कपड़े के बराबर बराबर होना चाहिए। और अब हम ये जो कपड़ा है इसके बराबर बराबर कपड़े और कैनवास की कटिंग कर लेंगे। यहाँ से भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे और पीछे की तरफ से हम यहाँ से 1-1 इंच का मार्क लगाते हुए कटिंग कर लेंगे। और सिर्फ कैनवास को उठाकर इसकी कटिंग करेंगे। नीचे वाला कपड़ा आपका बिल्कुल नहीं कटना चाहिए। और अब हम सिर्फ और सिर्फ इस कपड़े को उठाकर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे थोड़ा कैनवास से बार बार कटिंग करेंगे क्योंकि हम इसको कैनवास के ऊपर इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अब हम सिलाई के पास तक इसमें कट्स लगा देंगे। ध्यान रखें आपकी सिलाई नहीं कटना चाहिए और हम पूरे में कट लगा लेंगे और इसको इस तरफ टर्न कर आप चाहें तो तुरपाई करें और आप चाहें तो सिलाई लगाएं। इसी मेथड से हम दूसरी साइड वाला नेक भी तैयार कर लेंगे और उसके बाद हम इसे, हमने ये 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा था लेकिन हम 1 इंच ही इसको फोल्ड करेंगे क्योंकि यह दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगी और यहाँ पर हम इसे सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हम ऐसे ही कर लेंगे। अब हमने इसका नेक बना लिया है, पीछे वाला नेक बनाकर शोल्डर को जॉइंट कर लिया है और स्लीव्स भी जॉइंट कर लिए है और हमने ये पट्टियों को फोल्ड करा था, इनको हमने एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरफ सिलाई लगाई है ताकि यह फील हो इधर से हमें कि ये खुला हुआ है और हम यहाँ पर बटन लगा देंगे। और मैंने इसको नीचे से थोड़ा खुला रखा है क्योंकि ये हमारा फ्रंट ओपन है। अब हम इसको फिटिंग देंगे। अब हम इसमें फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए मैंने इसको 4 फोल्ड करके रख लिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर इसको पिन भी लगा लिया ताकि कपड़ा हमारा इधर उधर ना हो। अब हम जस्ट आर्म होल के नीचे
हम लेंगे सीने का चौथा हिस्सा प्लस आधा इंच। सीने का नाप 32 था तो उसका चौथा हिस्सा 8 इंच आएगा और उसमें प्लस आधा इंच करेंगे तो 8.5 इंच हो जाएगा। और यहाँ से हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा प्लस 0.25 इंच। कमर गोलाई हमारी थी 28 इंच तो उसका चौथा हिस्सा 7 आएगा और उसमें 0.25 इंच प्लस करेंगे तो 0.75 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ से 0.75 इंच ले लेंगे और हम जिस तरह से हमने कटिंग की थी उसी तरह से हम इन्हें आपस में कर्व स्केल से मिलाएंगे हल्का सा गोलाई वाले शेप से। इसकी वजह ये है कि आपका जो सीने का नाप है वो इस जगह पर आता है, इस जगह पर नहीं आता। तो आप हल्की सी इस गोलाई वाले स्केल से मिलाओगे तो यहाँ और यहाँ के नाप में ज़्यादा फर्क नहीं होगा, वरना आप इसे सीधे स्केल से मिलाओगे तो देखिए थोड़ा सा फर्क होता है। तो इसलिए हम इसको इस तरह से मिलाते हैं। इसके बाद हम यहाँ से लेंगे स्लीव्स गोलाई का हाफ। स्लीव्स गोलाई हमारी 10 इंच है तो हम यहाँ से 5 इंच लेंगे और इसको हम यहाँ पर ऐसे मिला लेंगे इसके साथ में। तो देखिए हमारी जो ये कटिंग है इसमें इतना मार्जिन तो रह ही जाता है कि आप इसको लूज़ भी करना चाहें तो काफ़ी लूज़ हो जाता है। और इस जगह से हम इसको गोलाई में लेते हुए धीरे धीरे इधर कम कर लेंगे। हम इसमें स्लिट नहीं खोलेंगे तो हम इसे पूरा नीचे तक सिल लेंगे, एकदम इधर आते आते हमारी सिलाइयाँ कम हो जाएगी। लेकिन एकदम हम ये थोड़ा सा ऐसे लेते हुए यहाँ से हम एकदम से नहीं कम करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। सेम मेथड से हम उस साइड पर मार्क लगा लेंगे और इसी पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हम कुर्ती को फिटिंग देंगे और इस तरह से हमारी ये कुर्ती कंप्लीट है। इसको फिटिंग देने के बाद इसका ये शेप है और इस पर हम ये वुड वाले बटन लगा देंगे। बटन आपकी चॉइस पर है, आप कितने लगाना चाहते हैं, और बटन जरूर लगाइएगा। उससे क्या होगा कि ये आपका यहाँ पर आपका बटन लगने से ये कपड़ा इस जगह पर सेट हो जाएगा और इस जगह से ऐसा फील होगा कि यह खुला है। आप चाहें तो जो पैच लगाया उसके मैचिंग के कपड़े के बटन बनवा कर भी लगा सकते हैं। और पीछे से हमारी कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से है। इस तरह से हमारी ये फ्रंट ओपन बैक योक पॉकेट वाली कुर्ती बनकर कंप्लीट है। इसके बैक से हमने जो पैच लगाया वह इस तरह से है और इसमें हमने एक प्लिट्स भी दिया है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट्स में लिखें और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाली नई वीडियोस के लिए, और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।